नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग छत्तीसगढ़ी शब्दावली से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराने वाले एग्जाम की बात करें या चाहे CGPSC के द्वारा कंडक्ट कराने वाले एग्जाम की बात करें। इसमें प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन पूछते हैं छत्तीसगढ़ी शब्दावली से, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है ए कोलिहा, बी चिल्हरा, सी कोटरी और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक एक का, डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, खेखर्री कहा जाता है। ठीक है, लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, खेखर्री कहते हैं। क्या कहते हैं, खेखर्री, आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। और जैसे कोलिहा किसे कहा जाता है, तो सियार को। ठीक है जी, सियार को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, कोलिहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलिहा कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो चिल्हरा, ठीक है, किसे छत्तीसगढ़ी में चिल्हरा कहा जाता है, तो गिलहरी को। ठीक है, गिलहरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, चिल्हरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिल्हरा, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखो कोटरी, तो हिरन को छत्तीसगढ़ी में कोटरी कहा जाता है। ठीक है जी, हिरन को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, कोटरी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोमड़ी को खेखर्री कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया। साथ ही साथ आपको इसको भी याद रखना है कि गिलहरी को छत्तीसगढ़ी में चिल्हरा कहा जाता है। ठीक है, हिरन को छत्तीसगढ़ी में कोटरी कहा जाता है और सियार को छत्तीसगढ़ी में कोलिहा कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और जितने भी फैक्ट मैंने आप लोग को बताया उसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं हमारे दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए खरगोश को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। खरगोश को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया गया ए है हुंडरा, बी है बघवा, सी है पटरू और डी है लम्हा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दो का, डी लम्हा। ठीक है, खरगोश को छत्तीसगढ़ी में लम्हा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लम्हा। ठीक है, खरगोश को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तो लम्हा कहते हैं। क्या कहते हैं, लम्हा, ध्यान रखिएगा। अब देखो हुंडरा किसे कहते हैं, तो भेड़िया को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है जी, हुंडरा कहा जाता है। भेड़िया को छत्तीसगढ़ी में हुंडरा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बघवा, तो बाघ को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, बाघ को छत्तीसगढ़ी में बघवा कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या, देखो पटरू, ठीक है, पटरू किसे कहते हैं, तो बकरी का जो नर बच्चा होता है। ठीक है, बकरी का नर बच्चा जो होता है उन्हें क्या कहा जाता है, पटरू कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, पटरू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बकरी के मादा बच्चा को क्या कहा जाता है, पठिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पठिया, तो इस सभी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि खरगोश को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तो खरगोश को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, लम्हा कहते हैं। वैसे ही भेड़िया को छत्तीसगढ़ी में हुंडरा कहा जाता है। ठीक है, बाघ को छत्तीसगढ़ी में बघवा कहा जाता है और बकरी का जो नर बच्चा होता है उसे छत्तीसगढ़ी में पठरू कहते हैं और जो मादा बच्चा होता है इसको पठिया कहा जाता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दो का हमारा आंसर हो जाएगा डी लम्हा, क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन में। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए परेवा किस पक्षी का छत्तीसगढ़ी नाम है। ठीक है, परेवा किस पक्षी का छत्तीसगढ़ी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है ए तोता, बी गौरैया, सी बगुला, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि परेवा किसका छत्तीसगढ़ी नाम है, कबूतर का छत्तीसगढ़ी नाम है, जो कबूतर है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कबूतर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है जी, परेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परेवा कहा जाता है। देखो हिंदी की बात करें तो हिंदी में इससे इसके समानार्थी शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबूतर का समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द एक ही है, समानार्थी अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। तो कबूतर का समानार्थी शब्द क्या क्या हो जाएगा, मैं आप लिख दे रहा हूं कबूतर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कबूतर का हो जाएगा कपोत हो जाएगा, परेवा हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, पारावात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारावात। और आपको याद रखना है रक्तलोचन, क्या याद रखना है, रक्तलोचन। ये सब किसका पर्यायवाची होता है, तो ये सब कबूतर का होता है। किसका होता है, कबूतर का होता है, आपको ध्यान में रखना है।
क्लियर है, ठीक है। एक चीज और जो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देता है, देखो रक्त लोचन, रक्त लोचन किसका होता है, कबूतर का होता है। एक और ऐसी शब्द होता है रक्त तुंड, रक्त तुंड किसका होता है, तो रक्त तुंड होता है जी तोता का होता है, ठीक है। रक्त तुंड किसका होता है, तो तोता का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, परेवा किस पक्षी का छत्तीसगढ़ी नाम है, तो कबूतर को छत्तीसगढ़ी में परेवा कहा जाता है। अब देखो तोता, तोता को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तोता को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, सुआ बोला जाता है, ठीक है। सुआ भी बोलते हैं और मिट्ठू भी कहा जाता है, ठीक है। सुआ भी बोलते हैं और मिट्ठू भी कहा जाता है, क्लियर है। गौरैया, गौरैया को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, बामहन चिड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बामहन चिड़ी, बामहन चिड़ी ध्यान में रखना है, बामहन चिड़ी कहा जाता है इसको, ठीक है। बगुला, बगुला को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तो बगुला को छत्तीसगढ़ी में कोकड़ा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोकड़ा कहा जाता है, कोकड़ा कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि परेवा किस पक्षी का छत्तीसगढ़ी नाम है, तो कबूतर तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर लिया गया है डी, इनमें से कोई नहीं। और ध्यान रखिएगा कबूतर का ही छत्तीसगढ़ी नाम परेवा है, ठीक है। और इन सबको भी ध्यान रखना है, तोता को छत्तीसगढ़ी में सुआ बोलते हैं, गौरैया को बामहन चिड़ी कहा जाता है, और बगुला को कोकड़ा कहा जाता है, ठीक, ये चीज। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा, चौथे लिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, बंगला का हिंदी नाम बताइए, बंगला का हिंदी नाम बताइए, अर्थात किस फल को छत्तीसगढ़ी में बंगला कहा जाता है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। बंगला का हिंदी नाम बताना है, किस फल को छत्तीसगढ़ी में बंगला कहा जाता है, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो अनार, अनार को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, अनार को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है जी दरमी कहा जाता है, ठीक है। अनार को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, दरमी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक शब्द याद रखना, दाड़िमप्रिय, दाड़िमप्रिय, ये दाड़िमप्रिय किसका पर्यायवाची होता है, तो दाड़िमप्रिय होता है तोता का होता है, ठीक है। तोता को अनार बहुत पसंद है, इसलिए तोता को दाड़िमप्रिय भी कहा जाता है, क्लियर, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अनार को छत्तीसगढ़ी में दरमी कहा जाता है। पपीता, पपीता को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, अरम पपई, क्या बोलते हैं, अरम पपई, अरम पपई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तरबूज को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, तो तरबूज को बोला जाता है कलिंदर, क्या बोला जाता है, कलिंदर, तरबूज को कलिंदर बोलते हैं। और खरबूज को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है बंगला, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, खरबूज को बंगला। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि बंगला का हिंदी नाम बताइए, ठीक है, तो खरबूज को ही, खरबूज को ही बंगला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अर्थात खरबूज का छत्तीसगढ़ी नाम क्या है, बंगला है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर चार का डी हो जाएगा, ध्यान। और इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अनार को छत्तीसगढ़ी में दरमी कहा जाता है, पपीता को अरम पपई कहा जाता है, तरबूज को कलिंदर कहते हैं, और खरबूज को छत्तीसगढ़ी में बंगला कहा जाता है, ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, पांचवा क्वेश्चन में, पांचवा क्वेश्चन क्या, देखिए दांत दिखाना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, ठीक है, दांत दिखाना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिया गया है ए थपराना, बी निपोरना, सी उलान बाटी, और डी खेदारना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि दांत दिखाना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दांत दिखाना को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं निपोरना, क्या बोलते हैं, निपोरना, ठीक है। थपराना किसको बोलते हैं, जब थप्पड़ मारते हैं किसी को ना, तो इसको थपराना कहा जाता है। उलान बाटी, उलान बाटी किसे कहते हैं, जब गुलाटी खाते हैं उसको उलान बाटी कहा जाता है। खेदारना, जब किसी को भगाना होता है, जब किसी को भगाना होता है, तो उस संदर्भ में छत्तीसगढ़ी में खेदारना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था दांत दिखाना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तो निपोरना, ठीक है, दांत दिखाना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, निपोरना। तो क्वेश्चन नंबर पांच का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, छठवां क्वेश्चन में, हमारा छठवां क्वेश्चन क्या, देखिए निम्न में सुमेलित नहीं है, एक तरफ उसका छत्तीसगढ़ी नाम है, दूसरी तरफ उसका हिंदी नाम है, ठीक है, तो हमको पहचानना है कि कौन सा पेड़ है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया ए चंट, ठीक है, चंट, छत्तीसगढ़ी में चंट, चंट शब्द है, इसका हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, चलाक, ठीक है, ये दिया गया है पहला। बी हल्का, हल्का को छत्तीसगढ़ी में फोसवा कहते हैं, ये दिया गया है। सी शत्रु, शत्रु को छत्तीसगढ़ी में मयारू कहते हैं, ऐसा दिया गया है यहाँ पास क्वेश्चन में। और डी आलसी, आलसी को छत्तीसगढ़ी में अल्लर्रा बोलते हैं। तो हमको बताना है कि कौन सा पेयर है सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं, चलो चलाक, चलाक को छत्तीसगढ़ी में चंट कहते हैं, ये तो करेक्ट है, सही है, ये सही है, ठीक है, चलाक को छत्तीसगढ़ी में चंट कहा जाता है, ये सही है। अब देखो दूसरा हल्का, हल्का को छत्तीसगढ़ी में फोसवा कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। कई बार यहाँ हरु भी, ठीक है, हरु भी लिखा होता है, याद रखना, हरु मतलब हल्का को हरु भी बोलते हैं, फोसवा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं शत्रु, शत्रु को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, मयारू कह देगा, मयारू नहीं कहते, ठीक है, थीके? देखो मयारू किसे कहते हैं, मयारू जो बहुत प्यारा होता है या प्यारी होती है, ठीक है, उसी को मयारू कहा जाता है, ठीक है। शत्रु को क्या बोलते हैं, शत्रु को मयारू नहीं बोलते हैं,
ठीक है। और उसके बाद आलसी, आलसी को छत्तीसगढ़ी में अल्लरहा कहा जाता है, ठीक है, आलसी को छत्तीसगढ़ी में अल्लरहा कहा जाता है, तो ये भी सही है। अर्थात चलाक को चंट बोलते हैं, ये भी सही है, ठीक है। हल्का को फोसवा या हरू कहा जाता है, ये भी सही है। आलसी को अल्लरहा कहा जाता है, ये भी सही है। और शत्रु, शत्रु को मयारू नहीं कहते, मयारू किसे कहते हैं, जो प्यारा होता है, जो प्यारी होते हैं ना, उसी को मयारू कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यही सी जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, यही सी जोड़ा क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। और इसको भी ध्यान रखना कि चलाक को चंड कहा जाता है, हल्का को छत्तीसगढ़ी में फोसवा या हरू कहा जाता है, इसको आलसी को छत्तीसगढ़ी में अल्लरहा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, सातवां क्वेश्चन पे। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या, देखिए सातवां क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित है, ठीक है, निम्न में सुमेलित है, ध्यान रखना है कौन सा सुमेलित है, उसको पहचानना है हमको, सुमेलित कौन सा उसको पहचानना है। एक तरफ छत्तीसगढ़ी नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसका हिंदी नाम दिया गया है, ठीक है, देखते हैं। लंगड़ा, लंगड़ा को छत्तीसगढ़ी में कोढ़िया कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं, ठीक है। लंगड़ा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, खोरवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खोरवा, लेकिन यहाँ पास तो कोढ़िया लिखा है, क्या बोलते हैं, खोरवा बोलते हैं, तो ये वाला जो पेयर है वो गलत हो जाएगा, हो जाएगा। कौन सा सुमेलित है इसको पहचानना है हमको। दूसरा दिया गया है चपटे नाक वाली, चपटे नाक वाली इसको छिपकी, छत्तीसगढ़ी में छिपकी कहा जाता है, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। चपटे नाक वाली को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, छिपकी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छिपकी। अब उसके बाद देखते हैं हल्का, हल्का को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, अभी जस्ट बताया था, हल्का को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हल्का को छत्तीसगढ़ी में फोसवा, फोसवा या हरू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोसवा या हरू कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है गरु कहते हैं, तो गरु तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो पेट दर्द, पेट दर्द को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, मूड़ पेरवा, ठीक है, देखो मूड़ पेरवा लिखा है, मूड़ पेरवा लिखा है, जबकि मूड़ पेरवा सिर दर्द को बोलते हैं, ठीक है, सिर दर्द को बोला जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मूड़ पेरवा था जो सिर में जब दर्द होता है उसको मूड़ पेरवा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पास जोड़ी में दे दिया गया पेट दर्द को मूड़ पेरवा बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी पेयर में देखें तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, जो चपटे नाक वाली उसको छेपकी कहा जाता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो सातवां क्या हो जाएगा, बी, अर्थात चपटे नाक वाली को छत्तीसगढ़ी में छेपकी कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आठवां क्वेश्चन में। हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है, देखो शरीर के अंग एवं उसके छत्तीसगढ़ी नाम सुमेलित नहीं है, ठीक है, शरीर के अंग एवं उसके छत्तीसगढ़ी नाम सुमेलित नहीं है। एक तरफ शरीर का अंग का नाम दिया गया है और एक तरफ उसके छत्तीसगढ़ी नाम है, क्या पहचानना है इसमें, कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है, कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है, देखो बाल, बाल को छत्तीसगढ़ी में चुंदी कहते हैं, तो सही है, करेक्ट है जी, बाल को छत्तीसगढ़ी में चुंदी कहा जाता है, ठीक। कंधा, कंधा को छत्तीसगढ़ी में टोटा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, ठीक है। कंधा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, खांध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खांध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खांध बोलते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। टोटा किसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, तो हमारा जो गला होता है, गला को छत्तीसगढ़ी में टोटा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। घुटना, घुटना को छत्तीसगढ़ी में माड़ी बोलते हैं, ये भी सही है। और कमर, कमर को छत्तीसगढ़ी में कन्हिया कहा जाता है, ये भी सही है। मतलब बाल को चुंदी बोलते हैं, ये भी सही है, घुटना को माड़ी कहा जाता है, ये भी सही है, और कमर को कन्हिया कहा जाता है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है, कंधा, कंधा को टोटा दिया गया, ठीक है, जबकि कंधा को छत्तीसगढ़ी में खांध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खांध बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अर्थात कंधा को छत्तीसगढ़ी में खांध बोला जाता है, ना कि टोटा बोला जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन में, ठीक है। सब्जियों के नाम एवं उसके छत्तीसगढ़ी नाम सुमेलित नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब्जियों के नाम एवं उसके छत्तीसगढ़ी नाम क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया ए, टमाटर, टमाटर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पताल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पताल, तो ये तो सही है, बढ़िया, ठीक है। भिंडी, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, ये वाला भिंडी, देखो भिंडी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, रमकेलिया, ये भी सही है, भिंडी को छत्तीसगढ़ी में रमकेलिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्याज, प्याज को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, गोंदली कहते हैं, तो ये भी सही है। हमको पहचानना है कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं उसी को पहचानना है, तीनों तो सुमेलित है, टमाटर को पताल कहा जाता है, भिंडी को रमकेलिया कहा जाता है, और प्याज को गोंदली कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या, देखो कद्दू, कद्दू को बैगन बोल दिया गया, ठीक है, जबकि गलत है। कद्दू को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुमड़ा, ठीक है, याद रखना, कुमड़ा, कुमड़ा कहा जाता है, या इसके मखना भी बोलते हैं, मखना भी बोलते हैं, कुमड़ा भी बोलते हैं और मखना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य है, गलत है, ये जो पेयर है वो सुमेलित नहीं है। तो हमको इसी की पहचान करना था कि कौन सा जोड़ी है सुमेलित नहीं है।
और ध्यान रखिएगा, टमाटर को पताल कहते हैं, भिंडी को रमकेलिया कहा जाता है, प्याज को गोंदली कहा जाता है, ठीक है, और कद्दू को कुमड़ा या मखना कहा जाता है। बैगन, बैगन अलग होता है, बैगन का छत्तीसगढ़ी नाम क्या है, बैगन को लोग छत्तीसगढ़ में भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या, देखो छत्तीसगढ़ी शब्द कूरा ससुर का संबंध है, बढ़िया, ठीक है, अर्थात कूरा ससुर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए जेठ, बी पति का छोटा भाई, सी पति की छोटी बहन, और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कूरा ससुर को छत्तीसगढ़ी, मतलब किसे किसे छत्तीसगढ़ी में कूरा ससुर कहा जाता है, तो जेठ दिया गया है, ए बी है पति का छोटा भाई, सी पति की छोटी बहन, और डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेठ, ठीक है। जेठ, जेठ को कूरा ससुर भी कहा जाता है, ठीक है, जेठ को कूरा ससुर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई लड़की है उसका विवाह हुआ है तो जो लड़की है, ठीक है, लड़की अपने पति के जो बड़े भाई है उसको क्या बोलेंगी, जेठ बोलेंगी, ठीक है, और वो लड़की है अपने पति के छोटे भाई को क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, देवर बोलेगी, ठीक है, और पति की छोटी बहन को क्या बोलेगी, वो लड़की वो क्या बोलेगी, ननंद बोलेगी, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात छत्तीसगढ़ी शब्द कूरा ससुर का संबंध किससे है, तो जेठ से, अर्थात जेठ को ही छत्तीसगढ़ी में कूरा ससुर के नाम से भी जाना जाता है। कूरा ससुर मतलब समझ गए ना, अगर कोई लड़की का विवाह हो रहा है तो वो लड़की है अपने पति के बड़े भाई को क्या बोलेगी, जेठ बोलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, और वो जो लड़की है अपने पति के छोटे भाई को क्या बोलेगी, देवर बोलेगी, और वो लड़की है जिसका विवाह हुआ है वो अपने पति की छोटी बहन को क्या बोलेगी, तो ननंद बोलेगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 क्या है, छत्तीसगढ़ी शब्द सुहाई का संबंध है, बहुत बड़े क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ी शब्द सुहाई का संबंध है, ऑप्शन दिया गया है, ए एक मीठा व्यंजन, बी एक परंपरागत वस्त्र, सी हाथी का सुंड, और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ी शब्द सुहाई का संबंध है, ठीक है, तो सुहाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सुहाई किसे कहते हैं, आप लोग दीपावली के समय देखे होंगे कि जो गाय में या भैंस में, ठीक है, एक मोर के पंख का या पलाश के फूल का एक माला पहनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सुहाई कहा जाता है, ठीक है। सुहाई है ये गायों को पहनाया जाने वाली एक माला है जिसका निर्माण मोर पंख से या पलाश के फूल से किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी शब्द सुहाई का संबंध है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सुहाई किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सुहाई तो गायों को पहनाए जाने वाली जो मोर पंख से बनी हुई माला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, सुहाई कहा जाता है, दीपावली के समय इस सुहाई को बांधा जाता है गायों पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या, देखो चंदर लगना मुहावरे का अर्थ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी चंदर लगना मुहावरे का अर्थ है, बता रहा हूँ ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी छत्तीसगढ़ी शब्दावली से क्वेश्चंस आते हैं, व्यापम के अगर जितने भी एग्जाम कराया जाता है कंडक्ट, उसमें भी छत्तीसगढ़ी शब्दावली से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और जिससे पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। चलो तो चंदर लगना मुहावरे का अर्थ है, ए चंद्र ग्रहण लगना, बी अत्यधिक सुंदर लगना, सी मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना, और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना ही क्या कहलाता है, उसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में चंदर लगना कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अर्थात मरते समय जब मनुष्य की आंखें खुली रह जाती है तो उसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोल दिया जाता है, चंदर लग गया ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है। तो चंदर लगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मरते समय की आंखों का खुला रह जाना, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए केरा पान कस डोलना से आशय है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो केरा पान कस डोलना से आशय है, ऑप्शन दिया गया ए पान में कीड़ा पड़ जाना, बी पान खाकर मस्त रहना, सी विचलित रहना, और डी इनमें से कोई नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरा पान का डोलने का करेक्ट आंसर हो जाएगा विचलित रहना। जो व्यक्ति विचलित रहता है, जो डिसीजन नहीं ले पाता, उसके लिए छत्तीसगढ़ी में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है केरा पान का डोलना। ठीक है, तो केरा पान का डोलना का छत्तीसगढ़ी में मतलब इसका जो हिंदी पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विचलित रहना। ठीक है, तो विचलित रहने को ही छत्तीसगढ़ी में केरा पान का डोलना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। एक जनौला दिया गया है, एक जनौला दिया गया है, देखो करिया बैला बैठे है लाल बैला भागत है। ठीक है, करिया बैला बैठे है लाल बैला भागत है, जनौला इंगित करता है, मतलब इस जनौला का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, करिया बैला बैठे है लाल बैला भागत है, ऑप्शन दिया गया ए रेलगाड़ी, बी आगी, सी परछाई और डी नांगर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी आग या आगी। ठीक है, आगी को छत्तीसगढ़ी मतलब ये जो जनौला दिया गया है, ये जनौला दिया गया है करिया बैला बैठे है लाल बैला भागत है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आगी हो जाएगा। जैसे देखते हैं करिया बैला, करिया बैला किसे बोला जा रहा है, करिया बैला। ठीक है, करिया बैला, करिया बैला किसे कहा जा रहा है, तो लकड़ी को कहा जा रहा है, लकड़ी को कहा जा रहा है। ठीक है, और लाल बैला, लाल बैला किसे कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा लाल बैला किसे कहा जा रहा है, जो आग का जो फ्लेम होता है, जलता है, उसको लाल बैला कहा जा रहा है, अर्थात आग को कहा जा रहा है। ठीक है, जो फ्लेम है, फ्लेम को लाल बैला कहा जा रहा है। आप लोग देखे भी होंगे, ये मैं एक बना दे रहा हूँ, ये चूल है। ठीक है, ये चूल है, यहाँ पास ये लकड़ी है, ये लकड़ी, ये काले रंग का है, इसी को करिया बैला कहा दिया जा रहा है, मतलब बोल रहे हैं यहाँ जनौला पे। और लाल बैला, लाल बैला किसे बोला जा रहा है, ये जो फ्लेम है, जो जल रहा है ना, ये जो जल रहा है उसी को बोला जाता है, उसी को इस जनौला में लाल बैला से संदर्भित किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, अर्थात करिया बैला बैठे है लाल बैला भागत है, इस जनौला का अर्थ हो जाएगा आगे, इसको हिंदी में आग भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलो अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 15 क्वेश्चन। तो रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, ठीक है, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द, ऑप्शन दिए गए ए गुर्राना, बी गुरगुराना, सी गुंगवाना और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरगुराना, क्या हो जाएगा, गुरगुराना। रोमांचित होना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तो गुरगुराना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुरगुराना कहा जाता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गुरगुराना को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो रोमांचित होना, या रोमांचित होना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तो गुरगुराना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, डांड देना का क्या अर्थ है। देखो छत्तीसगढ़ी में बहुत ही प्रयोग होता है ये शब्द डांड देना, ठीक है, डांड देना, तो डांड देना का क्या अर्थ है, ऑप्शन दिया गया ए जुर्माना देना, बी आवाज लगाना, सी रेखा खींचना और डी ऐलान करना। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जुर्माना देना, क्या हो जाएगा, जुर्माना देना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, जुर्माना देना। छत्तीसगढ़ी में जुर्माना देने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, डांड देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जुर्माना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ी में, डांड, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 17 क्वेश्चन पे, हमारा 17 क्वेश्चन क्या है, निंदा का पर्याय है। ठीक है, निंदा का पर्याय है, अर्थात छत्तीसगढ़ी में किसे निंदा कहा जाता है। ठीक है, निंदा का पर्याय है, ऑप्शन दिया गया है ए निंदा को, बी ठोस को, सी निंद को और डी निंदाई को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठोस को छत्तीसगढ़ी में निंदा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निंदा कहा जाता है। ठीक है, ठोस को छत्तीसगढ़ी में निंदा कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठोस को छत्तीसगढ़ी में निंदा कहा जाता है। चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 क्वेश्चन पे, 18 क्वेश्चन क्या, देखिए बाहरा का मतलब है। ठीक है, बाहरा का मतलब है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया ए बाहर का, बी झाड़ू, सी श्रवण बाधित और डी है एक बड़ा गहरा उपजाऊ क्षेत्र। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बड़ा गहरा उपजाऊ क्षेत्र। एक बड़ा गहरा उपजाऊ क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ी में बाहरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो गांव वाले होंगे वो अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, बाहरा में जाके आओ ऐसे बोला जाता है गाँव में। ठीक, ये तो बाहरा का मतलब क्या हो जाएगा, एक बड़ा गहरा उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, ये एक बड़ा गहरा उपजाऊ क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी, क्लियर है। अब उसके बाद चलते हम लोग 19वां क्वेश्चन पे, 19वां क्वेश्चन क्या है,
पशुओं के छत्तीसगढ़ी नाम के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। देखो प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, सुमेलित है कि सुमेलित नहीं है, ऐसा कई बार ये यहाँ से भी गलती होता है, माइनर मिस्टेक होता है, ठीक है, तो प्रश्नों को भी हमको अच्छे से पढ़ना है। तो पशुओं के छत्तीसगढ़ी नाम के संबंध में कौन सब पेयर है वो सुमेलित नहीं है, देखते हैं। देखो बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, छेरी कहा जाता है, ये तो करेक्ट है, ठीक है, बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, छेरी बोला जाता है। दूसरा देखो मेढक, मेढक को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, मेचका बोलते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है, मेढक को छत्तीसगढ़ी में मेचका कहा जाता है, तो ये दोनों तो सही हो गया, ठीक है, हमको जो सुमेलित नहीं है उसी की पहचान करना है, दोनों दोनों तो सही है, बकरी को छेरी बोलते हैं, मेढक को मेचका कहा जाता है। छिपकली को क्या बोलते हैं, छिपकली को नपल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छिपकली को नपल्ली कहा जाता है, छिपकली को नपल्ली कहा जाता है। अब दिया गया ऑप्शन डी, देखो चिड़िया को छत्तीसगढ़ी में चिड़िया कहते हैं क्या, नहीं कहते, चिड़िया को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चिरई कहते हैं, क्या कहते हैं, चिरई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर जो पेयर है क्या है, सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं उसी को बताना है। और ध्यान रखिएगा चिटरा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, बताया था चिल्हरा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा चिल्हरा बोलते हैं। बकरी को छत्तीसगढ़ी में छेरी बोलते हैं, ठीक है, और मेढक को मेचका कहा जाता है, और छिपकली को नपल्ली कहते हैं, और चिटरा, चिटरा किसका छत्तीसगढ़ी नाम है, तो ये गिलहरी का, ठीक है, गिलहरी का, गिलहरी को चिटरा भी बोलते हैं और चिल्हरा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चिल्हरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी, यही क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक। ये अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां पे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। धरसा छत्तीसगढ़ी शब्द से आशय है, ठीक है, धरसा छत्तीसगढ़ी शब्द से क्या आशय है, क्या समझ रहे हो, ठीक है। ऑप्शन दिया गया ए दाल की एक किस्म है, बी दिया गया है धान कूटने का एक उपकरण है, सी दिया गया है आज से चौथा दिन, और डी दिया गया है खेतों के बीच जाने का रास्ता। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो छत्तीसगढ़ी शब्दावली से जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली रिपीट होते हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले तो उस पर आप लोग फोकस किया करिएगा, ठीक है, पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पहले आप अच्छे से कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है धरसा छत्तीसगढ़ी शब्द से आशय है, दाल की एक किस्म, धान कूटने का उपकरण, आज से चौथा दिन, और डी खेतों के बीच जाने का रास्ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी खेतों के बीच जाने का रास्ता, ठीक है। तो खेतों के बीच जो जाने का रास्ता होता है, ये सपोज ये खेत हो गया, ठीक है, तो खेतों के बीच जो जाने का जो रास्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है, धरसा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने छत्तीसगढ़ी शब्दावली से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तर पर चर्चा की, होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे बघेल ट्यूटोरियल के ऐप डाउनलोड करके इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, फिर अच्छे से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।